नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। यूपी में अब समाजवादी पार्टी आंदोलन की राह पर चल पड़ी है। अखिलेश यादव की बहुप्रतीक्षित साइकिल यात्रा तो अभी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन समाजवादी विचारधारा को धार देने के लिए 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर युवाओं का हुजूम जरूर चल पड़ा है। इस पदयात्रा को नाम दिया गया है समाजवादी विचार पदयात्रा। पदयात्रा मैनपुरी जनपद से शुरू होकर लखनऊ के लिए कूच कर चुकी है। पदयात्रा में शामिल सैकड़ों युवा पैदल चल करके लखनऊ पहुंचेंगे और रास्ते के हर एक गांव, कस्बे और शहर में समाजवादी पार्टी की नीतियों और समाजवादी विचारों को रख करके जनता से संवाद करेंगे। समाजवादी विचार पदयात्रा की शुरुआत मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी से की। लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रावल सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं का हुजूम इस यात्रा में शामिल हुआ है, जो अपने पैरों से चल करके मैनपुरी से लखनऊ तक की दूरी तय कर रहा है। 30 जनवरी से शुरू हुई यह पदयात्रा 10 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नौजवानों को निर्देश दिया था कि वे समाजवादी विचार पदयात्रा के माध्यम से प्रतिदिन मार्ग में आने वाले गांव और कस्बों के लोगों के बीच बैठ करके राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्र के बताए गए समाजवादी सिद्धांतों पर जरूर चर्चा करें। समाजवादी विचार पदयात्रा के अलग अलग शहरों में पहुंचने पर लोगों का हुजूम, खासतौर से युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे युवा जोश के साथ प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला समय समाजवादियों का ही है। इस पदयात्रा को लीड कर रहे लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रावल सिंह यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रावल जी, स्वागत है मीडिया हलचल पर आपका। आपको इस पदयात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो पहला सवाल मेरा यही है कि किस उद्देश्य से इस पदयात्रा की शुरुआत आपने की है और किस तरह से आप इसको लीड कर रहे हैं? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का लेते हुए और निकले हुए हैं, जो शक्तियां आज संविधान की तरफ उंगली उठा रही हैं, देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। आज नौजवान जो है रोजगार के लिए भटक रहा है, किसान भटक रहा है, व्यापारी भटक रहा है, ये सब जो है सारी समस्याओं को लेके हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है और कितना समर्थन आप जुटा पा रहे हैं पदयात्रा के साथ? किस तरह से रास्ते का सफर आप तय कर पा रहे हैं? हम 30 जनवरी को समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकले हुए, आज चौथा दिन है। कन्नौज में हर जगह हजारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं, वेट करते हैं कई घंटों, और पर डे जो है लाखों की संख्या में जो है युवा सड़क पर स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तो इससे निश्चित ही जो आने वाला समय है वो समाजवादी पार्टी का है, और झूठी सरकार जिसने जो है पूरे देश को बर्बाद कर रखा है वो जाने के कगार पर है। जी, सरकार की मुखालफत आप कर रहे हैं, योगी सरकार और मोदी सरकार को लगातार घेरने के लिए आप जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या ऐसी नीतियां हैं आखिर बीजेपी गवर्नमेंट की जिसको लेकर के आपका ये विरोध है? हमारा विरोध ये है, आप नौजवानों को जो है धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। आप जो है जगह जगह जो है जहाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, आप वहाँ जो है रोजगार न दे पाने के उसमें कहीं न कहीं उलझा देते हैं नौजवानों को। आज जो है पूरा का पूरा देश जो है आप बेचने की स्थिति में है। आप जो है BSNL बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप जो भी सब सरकारी आज के देश में आप प्राइवेट में बेचने के ऊपर है। जो भी नौकरियां मिलती थी आज वो भी आपने ठेके पे कर दी है, तो हम विरोध पे तो नौजवानों को उतरना ही पड़ेगा। जी रावल जी, तो कहाँ तक अभी तक पहुंची है आपकी जो पदयात्रा ये चल रही है, और जो 10 तारीख को लखनऊ आप लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पर क्या ऐसे विशेष आयोजन होना है और क्या वहां का लखनऊ का आखिर क्या कार्यक्रम है 10 तारीख का? आज हम
कन्नौज में पहुंचे हुए हैं और कन्नौज नाइट स्टे हमारा 10 तारीख को हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर हम युवाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वहां पर एक बहुत ही भव्य स्वागत की हम पदयात्रियों की व्यवस्था हो रही है, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रावल सिंह जी जो इस पद यात्रा को लीड कर रहे हैं और लखनऊ जाकर के बता रहे थे किस तरह से कार्यक्रम होंगे और किस तरह से उनके साथ एक युवाओं का हुजूम, एक युवा जोश लगातार नगर दर नगर और कस्बे में, गांवों में, सड़कों पर लगातार जुड़ रहा है। इस पद यात्रा की एक एक अपडेट लेकर के हम मीडिया हलचल पर हाजिर होते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।